हेलो फ्रेंड्स, बबलू फोटोग्राफी चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि वेक्टर आर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वेक्टर आर्ट आप अपने फ़ोटो को एक वेक्टर आर्ट लुक कैसे दे सकते हैं। तो वीडियो को फर्स्ट से एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को कह रखता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है गैलरी में जाके। मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाला। आपको अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिए डिज़ाइन DESIGN। ये डिज़ाइन टाइप करते ही आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इस फ़ोटो को डिज़ाइन ऐप में ओपन कर लीजिए। तो डिज़ाइन ऐप में ओपन कर मैंने कर लिया है ऑलरेडी। ये देखिए, ये डिज़ाइन ऐप है। अब इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ वीडियो। आपको खास चीज़ इस एप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है, बस ये नीचे जो लाइन पे दी गई है छः ऑप्शन की, ये छः ऑप्शन की ज़रूरत है हमें। और ऊपर देखिए, ये एक टूल्स टाइप का है, ये जो टूल्स दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे टूल्स है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ तीन चीज़ें ही काम आएगी। एक तो है पेन, दूसरा फिल और ग्रेडियंट। इस तीन पे आपको काम करना है, बाकी किसी का काम ही नहीं है। इधर बैक चले जाइए और यह इसके साइड में जो है लेयर वाला, इसको ओपन करेंगे तो आप लेयर का ध्यान रखिएगा। आप जो भी कमांड लेंगे यहाँ पे, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, अलग अलग पेज पे अगर क्रिएट करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सेम पेज पे ज़्यादा ड्राइंग करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक चैनल ओपन करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक लेयर ओपन करना है, ये वाला जो लेयर है इस पर आपको काम करना है। तो पहले आपको लेयर ओपन करना है, फिर आप लेयर पे वापस जाना है। लेयर ओपन हो चुका है, फिर अभी आपको क्या करना है, ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने से पहले आपको ब्रश चूज़ करना पड़ेगा। ये ब्रश है, ब्रश चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो ब्रश की काम होगा, सिर्फ बॉल पॉइंट पेन और टैपर्ड, बाकी किसी का काम ही नहीं है। तो आप पहले बॉल पॉइंट पेन को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए टूल्स में और पेन सिलेक्ट कर लीजिए। बस अभी आपको आपने जो लेयर ओपन किया है उस पर काम होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आप लोगों को। आप लोगों को सबसे पहले अपना फेस को चूज़ करना है, अपना फेस जो कलर है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप ऐसे सिलेक्ट करिए, देखिए मैं बना रहा हूँ कैसे। इस तरह से आपको बनाना है एकदम अच्छे से। आप यहाँ पे ब्रश का साइज़ छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है ये साइड मतलब क्रॉप कर रहे हैं आप इसको, तो आप इसको ज़्यादा मोटा रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप मेरे हिसाब से यहाँ जाकर आप क्रॉप कर सकते हैं, अपना ब्रश को छोटा कर सकते हैं साइज़ में। तो मैंने कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे अच्छे से इसको फिट, अच्छे से इसको काटना पड़ेगा। ये जो आपका स्पेक है, गसन ग्लास है, इसको आप बाद में कट करेंगे। पहले आप जो लेयर लेंगे सबसे पहले उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, बस एक ही एडिटिंग करके बता दूंगा, बाकी आप सब लोग खुद ही कर लेंगे। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये वेक्टर आर्ट क्रिएट करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आधे घंटे के ऊपर लगता है, इसीलिए मैं वीडियो तो इतनी देर तक नहीं बना सकता हूँ। आप लोगों को शॉर्टकट में करके दिखा देता हूँ, आप खुद ही कर लेंगे। और ऐसे ही सिलेक्ट करते रहिए जैसे ही आपका फेस का साइज़ है, वरना आपका फ़ोटो में उस वेक्टर में आपको पता नहीं चलेगा आपका फ़ोटो का साइज़। तो ये ऐसे ही करते रहिए, एकदम अच्छे से इसको फिट करना चाहिए। मैं यहाँ से कट करके निकाल लेता हूँ, देख लीजिए आप कैसे बन रहा है ये, अच्छे से देख लीजिए। ताकि आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे और ये यहाँ पे, और ध्यान रखिए यहाँ पे जब आप जॉइंट कर रहे हो तो ये इसका डॉट दूसरे डॉट से बिल्कुल मैच होना चाहिए। ये देखिए, ये अच्छे से मैच नहीं हुआ है, आप इसको अच्छे से मैच कर लीजिए। ये अब हो गया, अब क्या करेंगे आप, जूम आउट कर लेंगे। ठीक है,
आपको एस टाइप का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा जो डॉट 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 टाइप का। तो अगर ये डॉट टाइप का नज़र आएगा तो सही है, अगर डॉट टाइप का नज़र नहीं आएगा तो आपका कुछ गलती है। तो अब क्या करेंगे, इसको टिक मार्क में सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये पोजीशन जो है, देखिए हम इस लेयर पे सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको कलर फिल करेंगे। कलर कैसे करना है, कलर करने के लिए आपको उसी टूल में जाना होगा और फिल में चूज करना होगा। फिल ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पे टैप करके आपको फेस के ऊपर फिल में चूज करने के बाद आपको यहाँ से कलर चूज करना है आपका जो फेस है। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक डॉट है, फिर से दिखा देता हूँ, ये जो ब्लैक है, देखो ये जो ब्लैक डॉट यहाँ पे था, मैं यहाँ पे ऐसे लेके अगर इसे आप फेस के ऊपर मार्क रखेंगे, जिस मतलब जो आप क्रॉप किए हैं उसका कलर लेने के लिए आप ऐसे ही चूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे छोड़ दीजिए, ये वाला कलर यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से टैप कीजिए। अगर आपको कलर में कुछ एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मेरा थोड़ा इस टाइप का कलर में रखना चाहता हूँ, तो इस टाइप का कर लिया मैंने। अब यहाँ पे टैप कर लीजिए और क्या करना है आपको, फिल ऑप्शन में जाइए, फिर दोबारा चूज कीजिए और यहाँ पे टैप कर लीजिए। सॉरी, आपका पेन ऑप्शन जो है वो बंद करना पड़ेगा, आपको पेन ऑप्शन बंद कीजिए और दोबारा फिर फिल ऑप्शन में जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए कॉलर हो गया अपना। इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं, इस तरह से आप अपना वेक्टर आर्ट जो है पूरी की पूरी कलर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।